इंतजार कर रहे हैं वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आगे रघुराई अवध में बाजे बधाई, हर कोई गा रहा है इस समय बंधन बधाई। सोहर भी कई जगह गाई जा रही है क्योंकि रामलला आ रहे हैं। पांच साल की जो प्रतिमा, जो पांच साल के बालक की प्रतिमा होती है, वैसी प्रतिमा बनाई अरुण योगी राजा ने। मैसूर के शिल्पकार, उनकी प्रतिमा का चयन हुआ और अब उस नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी जिसके लिए 84 सेकेंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। और यह शुभ मुहूर्त निकाला है काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने। तो आज पौष माह की द्वादशी तिथि और अभिजीत मुहूर्त इंद्र योग मृक्षरा नक्षत्र मेष लग्न एवं वृश्चिक नवांश में यह शुभ मुहूर्त किया जाएगा। तमाम मेहमान जो वहां पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर, उनकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा हर हलचल, हर तस्वीर, अयोध्या का हर रंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अनिल कुंबले, वेंकटेश प्रसाद अयोध्या पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो खास मेहमान है चंद्रचूड़, वो भी अयोध्या पहुंचे हैं। अनुपम खेर, विवेक ओब्रॉय, सुभाष गई, हमने आपको तस्वीरें दिखाई। अनुपम खेर हनुमानगढ़ी भी पहुंचे थे, वहां पूजा अर्चना की और उसके बाद यहां पहुंचे। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरा होने के बाद संबोधन भी होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी यहां संदेश देंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे, इतिहास बनता देख रहा है हिंदुस्तान और हर राम भक्त जो कई पीढ़ियां नहीं देख पाई हैं वो शुभ घड़ी आई है। इसीलिए अवध में आज पुष्प वर्षा का भी की व्यवस्था की गई है और हर कोई बस राम धुन गा रहा है। त्रेता युग में जब वनवास लौटे थे प्रभु राम, उस समय जिस तरह से अयोध्या रही होगी वैसी अयोध्या नजर आ रही है। हर गली हर चौराहे को सजाया गया है फूल माला। भारत आज नया आयाम लिख रहा, धर्म विरोधियों की छतरी बढ़ गई, राम राज्य का प्रारंभ हो गया। हृदय गदगद है, हमारे हनुमान जी खूब नाच रहे हैं राम जी के महोत्सव पर। हम भी बहुत प्रसन्न हैं, आपको धन्यवाद, संपूर्ण भारत को, विश्व को शुभकामना। अब हम जाएं। मत करिए, ऐसा मत करिए, आने दीजिए उनको। तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी पहुंचे हैं बागेश्वर धाम के और किस अंदाज में उन्होंने यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं वो भी आपने सुना। लगातार चर्चाओं में रहते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और अब तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हुआ क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कहना था, वो सिंबलाइज करते थे गुडनेस को और त्याग की भावना को, और आज वो भावना, वो गुडनेस, वो टुगेदरनेस जो है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। जय श्री राम। अनुपम खेर को सुना आपने, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श गुणों को भी आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनके आदर्शों को भी आत्मसात करने की आवश्यकता है। प्रभु राम जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए और प्रभु राम जो सामाजिक समरसता का संदेश जिन्होंने सबसे पहले दिया, शबरी के जूठे बेर खाए, इशाद राजा से दोस्ती की, दोस्ती निभाई भी, और साथ ही मां अहिल्या जिन पर अपयश का दाग लगा उसके जानने के बावजूद जैसे उन्हें पता चला वो अहिल्या, मां अहिल्या के आश्रम पहुंचते हैं, उनके पैर छूते हैं और उन्हें मां कहकर संबोधित करते हैं। तो प्रभु राम के जीवन दर्शन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और इसीलिए राष्ट्र मंदिर इसे कहा गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तमाम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं और शाम में दीप प्रज्वल का भी कार्यक्रम है। राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी और देश मनाएगा आज दीपावली। अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या शाम को 10 लाख दियों से जगमगाएगी। आज की हिंसा समाप्त हो, यही अयोध्या का संदेश है। आज बहुत सारे लोग मतलब एक ऐतिहासिक दिन इसको मान, हाँ निश्चित तौर पर ऐतिहासिक दिन, जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार। देखिए राम दशरथ के पुत्र, कौशल्या के पुत्र, सीता के पति,
अपने बाकी भाइयों के भाई और अयोध्या के राजा, वो मानवीय आदर्शों के उच्चतम शिखर पर पहुंचने वाले महापुरुष थे और उस नाते अगर हम उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका जाप करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी चुनौती है जो हमारे भीतर की चुनौती है। तो कैलाश सत्यार्थी को आपने सुना, नोबेल पुरस्कार विजेता। इसके अलावा जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तस्वीरें जहां अमिताभ बच्चन और अरुण गोविल के बीच मुलाकात हुई, पर्दे के राम जिन्हें देखकर जनता आज भी सिर झुका लेती है। और जब टीवी पर आती थी रामायण, जब जब आई तो हमने देखा अपने बड़ों को, अरुण गोविल को प्रभु राम का किरदार निभाते हुए जब भी टीवी सेट पर देखा गया तो उनके आगे हाथ जोड़ लिए गए, सर झुका लिया गया। आज भी जहां जहां नजर आते हैं अरुण गोविल, जनता उन्हीं को राम समझकर उनके आगे अपना सर झुका लेती है। मुलाकात हुई अरुण गोविल और अमिताभ बच्चन के बीच में। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री वो भी पहुंच चुके हैं। तो दशरथ के राज दुलारे के स्वागत के लिए इस समय हर कोई पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहा है। इसके अलावा जो ट्रस्ट का नया वीडियो सामने आया उसमें भी दिखाई दी राम मंदिर की भव्यता। और इससे पहले जब मुख्यमंत्री योगी पहुंचे थे अवध, तो जय श्री राम कहकर किया था सभी का अभिवादन। से जुड़े रहे कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी शोधभूत रूप निखार। बस तो आज तो यही है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी और हर्षित है महतारी भय प्रगट दीन कृपाला कौशल्या हितकारी। हर कोई ये कह रहा है, सोहर गा रहा है, बंधन गा रहा है, बधाई गाई दी जा रही है, रामलला आ रहे हैं। और बहुप्रतीक्षित जो ये प्रतिष्ठा समारोह का अनुष्ठान है उसमें हिस्सा लेने के लिए हर कोई पहुंच रहा है, जिन्हें भी निमंत्रण मिला हुआ है वो तमाम वीवीआईपी मेहमान आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रामलला की जो नूतन विग्रह है 51 इंच की प्रतिमा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा आज की जाएगी, जिसे बनाया है मैसूर के शिल्पकार अरुण योगीराज ने। कार्यक्रम जो प्राण प्रतिष्ठा का है 12:20 पर शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके लिए शुभ मुहूर्त निकाला गया 84 सेकंड का, 1 बजे तक समाप्त होने की इस कार्यक्रम की उम्मीद है। इसके अलावा कैसे कैसे बड़े बड़े हवन हुआ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, जहाँ पे देव गंधर्व सारी सृष्टि से जो है वो आया करते थे। उस तरह का ये एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक सा एक एक्सपीरियंस लग रहा है। और जहाँ तक हम विकास की बात करें, जो योगी जी की सरकार है उन्होंने पूरी काया पलट दी है उत्तर प्रदेश की, क्या हुआ करता था पहले और अब क्या हो चुका है। और आई थिंक ये जो हमारी जो वेटिकन सिटी को जाना जाता है रोम की, उससे भी बहुत आगे अयोध्या जो है पूरे विश्व में ख्यात होने वाली है, डेवलपमेंट को ही ना लेके सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को लेके। और हमारे जो आइकॉन है रामलला, वो बहुत पूरी दुनिया का जो है मार्गदर्शन करने वाले हैं। जय हिंद। कंगन रनौत वो भी पहुंची है यहाँ पर खास निमंत्रण मिलने के बाद। और यहाँ पर हर कोई अपने अपने शब्दों में उन भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, जो भावनाएं कल तक सिर्फ एक सपने में कैद थी, सपने में सीमित थी। सपना साकार कब होगा, लंबा संघर्ष उसके लिए किया गया, तपस्या की गई, कानूनी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद अब वो होता हुआ हम देख रहे हैं, जो कल तक आंसुओं के साथ सिर्फ जुबानी इच्छा के तौर पर जाहिर किया जाता था और अब वो सपना साकार हो चुका है। संकल्प से सिद्धि तक का सफर ये पूरा हुआ है, अथक प्रयास इसके लिए किए गए, बिना रुके
और अयोध्या का कायाकल्प किया गया। अयोध्या की वो गलियां जो बेहद संकरी हुआ करती थी, अब अयोध्या में चौड़ीकरण हो चुका है, फोर लेन सड़कें दिखाई दे रही हैं, सूर्य स्तंभ दिखाई देता है। सूर्यवंशी हैं प्रभु श्री राम, इसलिए सूर्य की महिमा को दिखाने के लिए सूर्य स्तंभ जगह जगह लगाए गए हैं। भव्य प्रवेश द्वार अयोध्या धाम में प्रवेश करने के लिए बनाए गए हैं और बदल चुका है ये पूरा क्षेत्र अयोध्या धाम का, वो अयोध्या जो कल तक अछूती थी, लेकिन अब हर कोई जप रहा है राम नाम और राम के ही नाम के सहारा को लेकर अपनी जीवन की नैया को पार करने की प्रार्थना की जाती है। लेकिन सियासी पिच पर राम को लेकर विवाद पहले भी खड़े होते रहे, आज उत्सव आनंद का ये समय है जब हर राम भक्त यही कह रहा है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। और ये भव्य तस्वीरें आप भव्य अयोध्या की देख रहे हैं, खास मेहमान विशिष्ट हस्तियां यहां पहुंची हुई हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन वीवीआईपीज वहां पहुंच रहा है, वहां सब एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े इतिहास के एक नए अध्याय को जुड़ता हुआ वो खुद वहां उस पल का साक्षी बन रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको भी दिखा रहे हैं ताकि आप घर बैठे बैठे लगातार इस कार्यक्रम को देख सके और रामलला के दर्शन भी कर पाए, जो अब से थोड़ी देर में 12:20 पर शुभ मुहूर्त में रामलला के नूतन